नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर को आतंकी हमला, चश्मदीद की गवाही सामने आई। चश्मदीद के मुताबिक हमला श्रीनगर लेह हाईवे के पास टनल कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर कैंप पर हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस को चश्मदीद ने दिए बयान से हमले की जानकारी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BRICS समिट के लिए रूस के दौरे पर आज सुबह 7 बजे रवाना हुए। यह दौरा 2 दिन का होगा। समिट रूस के कजान शहर में हो रही है। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों से दूसरी बार रूस के दौरे पर जा रहे हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने गृह मंत्री अमित शाह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद मांगी। उन्होंने बताया कि उनका भारतीय रेजिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है। मंत्रालय द्वारा परमिट रिन्यू नहीं किए जाने पर उन्होंने चिंता जताई। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। जामताड़ा से इरफान अंसारी, रामगढ़ से ममता देवी को टिकट मिला। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार सहित अन्य प्रमुख उम्मीदवारों का ऐलान। नगर निगम ग्रेटर की सतर्कता शाखा ने जयपुर में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रुपए चार्जिंग लगाकर 3 केंद्र सामान जब्त किए। कार्रवाई आयुक्त रुक्मणी रियार के निर्देशानुसार उपायुक्त अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई। जयपुर स्थापना दिवस समारोह में जल महल की पाल पर गौरवन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्कृति की झलक में सैकड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। केसरिया बालम गीत पर दर्शकों की जोरदार तालियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हवा महल विधायक पाल मुकुंदाचार्य, महापौर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण कुमार हजीसा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जयपुर समारोह 2024 में उपस्थित हमारे नगर निगम के कमिश्नर अरुण जी, एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र जी, मेरे साथी पार्षद रजत बिश्नोई जी, जितेंद्र जी, हमारे रवि जी, सुरेश जी, अभी बहुत सारे पार्षद बैठे थे, हमारे व्यास जी, हमारे बागड़ा जी और उपस्थित सभी सम्मानित जयपुर के निवासियों, भाइयों, बहनों, मेरी बड़ी बहन संतोष दीदी। देखिए, ये जयपुर समारोह आपको जयपुर के स्थापना दिवस पे मनाया जाता है। जयपुर समारोह शुरू से मनाने की प्रथा है 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, ताकि आप जयपुर का स्थापना दिवस, जयपुर का जन्म दिवस मना सके। जिस तरह आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जयपुर का जन्मदिन, क्योंकि हम सब जयपुर के निवासी हैं और जयपुर का जन्मदिन मनाना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जयपुर समारोह का आयोजन इस बार किया है। जयपुर समारोह में विभिन्न तरह के कार्यक्रम गणेश जी का आशीर्वाद लेकर, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेकर किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आपको आगे देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आपको इतना कहना चाहूंगी कि आप सभी जयपुर के निवासी हैं, जयपुर को स्वच्छ रखें, अपने घर से निकलने वाला कचरा इधर उधर ना फेंके। गली में से आप जो कचरा अपनी खिड़की से गली में फेंकते हैं, प्लीज वो ना फेंके। स्वच्छता बनाए रखें, अपने कचरे को जो ऊपर है, ऊपर आती है, पहले डस्टबिन में डालें, उसके बाद ऊपर में डालें। और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि दीपावली पर जो हमारे घर से कचरा निकलेगा उसको भी प्लीज डस्टबिन में डालें, उसके बाद ऊपर में डालें, तभी आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जयपुर को सुंदर बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका कर्तव्य है। नापा सरका गीता देवी बागड़ी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय PM श्री विद्यालय के रूप में विकसित होगा। मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम के दौरान सभी स्वीकृत पद भरने की घोषणा की। घोषणा सोमवार को विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की गई। 60 दिवसीय टोबेको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 की समीक्षा बैठक समारोह में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने अधिकारियों को कोटपा अधिनियम और ई सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए और तंबाकू उत्पादों पर चालान और जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। जयपुर जिले में निवेश प्रोत्साहन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में वित्त विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। रान उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी एवं कोस्ट अकाउंटेंट में राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन व जिले से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सफाई कर्मियों को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला बताया।
कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सोमवार को संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ के स्वागत समारोह में बोल रहे थे। यूपी योद्धाज ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में अपने पहले मैच में दबंग दिल्ली केसी को 28-23 से हराया। डिफरेंस में मैच में 13 अंक बनाए, जिसमें साहुल कुमार ने हाई फाइव किया। नी राजपूत ने यूपी के 7 अंक हासिल किए, जबकि दिल्ली का कोई खिलाड़ी 5 अंक के करीब नहीं पहुंच सका। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।